अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर काली मिर्च। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, देखते हैं ये कैसे बनेगा। इसके लिए हमने यहाँ पर ये देखिए, एक तेज़पत्ता, चार हरी मिर्च और ये तीन मीडियम साइज़ के प्याज़ हैं जिसको रफली इस तरीके से कट कर लिया है। एक दालचीनी का टुकड़ा है और चार से पांच लौंग है, दो छोटी इलायची और एक ये 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा था जिसको छिल के इस तरीके हमने रफली कट कर लिया है। और ये हमारे पास 12 से 15 लहसुन की कलियाँ, मेरे पास छोटी लहसुन की कलियाँ थी इसलिए हमने 12 से 15 ली। अगर आपके पास बड़ी हो तो आप 7 से 8 ले सकते हैं, इतना काफ़ी है। साथ ही हमने यहाँ पे लिया हुआ है 2 टेबल स्पून दही। ये हमारी कम 20-25 सफ़ेद मिर्च है और ये यहाँ पे 2 टेबल स्पून क्रीम है और यहाँ पर भी ऐसे ही 25 से 30 काली मिर्च है क्योंकि हम काली मिर्च बना रहे हैं, पनीर काली मिर्च, तो इसमें हमें काली मिर्च का इस्तेमाल करना है। और यहाँ पर हमने ये ले रखा है कसूरी मेथी और ये हमने यहाँ पे अरारोट ले रखा है, तो ये 1 टेबल स्पून है। और यहाँ पे हमने थोड़े से काजू और थोड़े से बादाम ले रखे हैं। आप के पास अगर अरारोट ना हो तो आप मैदा इस्तेमाल कर लीजिएगा। और ये हमारे पास पनीर है, 1/2 kg पनीर था, इसको हमने इस तरीके से बड़े बड़े टुकड़े कर लिए हैं कट करके। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमने ये एक पैन लिया है, पैन गर्म हो चुका है और इसमें हम ये जो काली मिर्च हमने ले रखी थी इसको हम इसमें हल्का सा रोस्ट कर लेंगे क्योंकि हमें इसको दरदरा करना है, दरदरा पीसना है, हमें इसका पाउडर नहीं बनाना है, इसको दरदरा करना है, तो इसके लिए हमको हल्का रोस्ट करना है इसको हल्का सा, तो इसलिए हमने इसको कर लेते हैं। ये देखिए हमने कर लिया है। अब इसको हम चाहें तो बेलन की मदद से या किसी कूटने वाली चीज़ के मदद से हम इसको दरदरा कूट लेंगे, हमें दरदरा चाहिए, इसका पाउडर नहीं चाहिए। ये देखिए हमने काले मिर्च को इस तरीके दरदरा कूट लिया है और सफ़ेद मिर्च को भी इस तरीके से दरदरा कूट के रख लिया है। चलिए आगे शुरू करते हैं। ये देखिए हमने एक कढ़ाई ले रखी है और इसमें हमने 2 टेबल स्पून तेल रखा है और ये थोड़ा सा अच्छे से गर्म हो जाए फिर उसके बाद हम इसमें ये सारा मसाला फ्राई करेंगे जो हमने यहाँ पे रखा हुआ था। ये देखिए तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें हम ये तेज़पत्ता, लौंग, दालचीनी, इलायची, इसको थोड़ा सा चटक जाने देते हैं। उसके बाद अब इसमें हम ये प्याज, और इसको हल्का सा 2 से 3 मिनट तक, हमें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है इसको और ना बहुत ज़्यादा हमें गलाना है, बस हल्का सा हम इसको 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे। ये देखिए हमारा ये बस हमको इतना ही पकाना है। अब इसमें हम ये काजू और बादाम ऐड करेंगे और इसके बाद भी हम इसको 1 मिनट तक पकाएंगे अच्छे से, और फिर इसमें हम 1 कप के करीब पानी ऐड करेंगे। ये देखिए हो चुका है, अब इसमें हम 1 कप के करीब पानी ऐड करेंगे और इसको कवर करके इसको पकने देंगे। ये देखिए हमने इसको कवर कर दिया है और गैस का फ्लेम हाई है, हाई फ्लेम पर इसको हम 3 से 4 मिनट पकने देंगे, उसके बाद बताते हैं। जब तक मसाला हमारा पक रहा है तब तक हम पनीर की कोटिंग कर लेते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे देखिए वो जो दही ली थी वो ले लिया है, साथ ही इसमें जाएगा अरारोट और साथ ही इसमें जाएगा कसूरी मेथी और साथ ही इसमें जाएगी 1/2 टीस्पून काले मिर्च, साथ ही इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून सफ़ेद मिर्च, साथ ही इसमें थोड़ी सी मलाई जाएगी, साथ ही इसमें
हाफ टी स्पून नमक जाएगा, साथ ही इसमें हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर गया है। ये देखिए हमने इन सबको मिक्स कर दिया अच्छी तरीके से। अब इसमें हम वो सारे पनीर डाल करके अच्छे से कोट कर लेंगे। ये देखिए हमने इसको कोट कर दिया है। अब इसको हम 5 से 10 मिनट रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। ये देखिए हमारा मसाला बनकर पक चुका है, रेडी हो गया है। अब इस गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं और इसको हम पीस कर एक पेस्ट बना लेते हैं। इसमें से हम ये तेज़ पत्ता निकाल देंगे। अगर आप बहुत तीखा नहीं खाते हैं तो हरी मिर्च भी निकाल दें। ये देखिए हमने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है और इसके ठंडा हो जाने तक का हम वेट करते हैं। और तेज़पत्ता इसमें से हमने निकाल दिया था, बाकी सारा मसाला इसी में है। इसी के साथ इसी तरीके हम पीस करके इसको अच्छा सा एक पेस्ट बना लेते हैं। ये देखिए पेस्ट रेडी हो चुका है। इस तरीके से हमने पीस के इसको पेस्ट बना लिया है। ये देखिए हमने एक पैन ले रखा है, इसमें हमने 2 टेबल स्पून तेल रखा है। और अब इसमें तेल जब अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें ये जो पनीर हमने मैरिनेट करने के लिए रखा हुआ था, इस पनीर को हम हल्का हल्का सेक लेंगे। ये देखिए हमने पनीर इसमें इस तरीके से रख दिया है और गैस का फ्लेम मीडियम ही है। मीडियम फ्लेम पर हम इसको गोल्डन होने तक सेक लेंगे सब तरफ से पलट करके। ये देखिए सिक चुका है पनीर अच्छी तरीके से। अब हम इसको निकाल लेंगे और इसी तरीके सारा पनीर हम सेक लेंगे। ये देखिए पनीर हमारे फ्राई हो चुके थे और हमने यहाँ पे एक कढ़ाई ले रखी है ग्रेवी बनाने के लिए। तो इसमें हमने 2 टेबल स्पून भर के तेल रखा है। ये तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम वो मसाला डालेंगे जो हमने पीस कर पेस्ट बनाया था। ये देखिए हमने इसमें वो मसाला ऐड कर दिया है और ये भुनने लगा है। गैस का फ्लेम हाई है और हाई फ्लेम पर इसको हम 2 से 3 मिनट भूनेंगे। साथ ही इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून काले मिर्च, 1/2 टीस्पून सफ़ेद मिर्च, 1/2 टीस्पून नमक। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड करिएगा। और साथ ही इसमें जाएगा ये वो मसाला जो हमने पनीर मैरिनेट किया था, जो बच गया है, इसमें दही वगैरह था, तो ये मसाला जाएगा इसमें। साथ ही इसमें 1/2 कप पानी जाएगा। और अब हम इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर तब तक पकाएंगे जब तक इसका तेल सेपरेट ना हो जाए। ये देखिए तेल सेपरेट होने लगा है, मसाला अच्छे से भुन चुका है। और अब हम इसमें पनीर ऐड करेंगे। ये देखिए हमने इसमें पनीर ऐड कर दिया। पनीर ऐड करके मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इसको 2 से 3 मिनट और पकाएंगे। ये देखिए इसको पकते हुए 3-4 मिनट हो चुका है। अब इसमें हम क्रीम ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून क्रीम ऐड करेंगे और उसके बाद हम 1 मिनट पकाने के बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये देखिए हमारा पनीर काली मिर्च बनकर रेडी हो चुका है और हमने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब इसको हम कवर करके रख देते हैं। 5 मिनट के लिए इसको कवर करके रख रहे हैं बस। और ये देखिए हमारा पनीर काली मिर्च बनकर रेडी हो चुका है। इस पर हमने ऊपर से भी थोड़ी सी काली मिर्च इस पर छिड़क दी थी, थोड़ी सी अच्छी लगे ताकि देखने में भी काली मिर्च हम बना रहे हैं तो थोड़ा सा पता भी चलना चाहिए। बाकी टेस्ट इसका लाजवाब है। आप इसी तरीके से इसको बनाइएगा तो इंशाल्लाह आप सबको बहुत पसंद आने वाला है ये। चलिए फिर किसी और रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।